यूनिवर्सल न्यूज में आपका स्वागत है। हज यात्रियों के लिए आज मथुरा के जिला अल्पसंख्यक विभाग ने स्वास्थ्य विभाग के साथ मिलकर टीकाकरण व मेडिकल करवाया। आपको बता दें कि मथुरा से हज यात्रा करने वाले कुल 75 लोगों ने आवेदन किया था। 75 आवेदन पत्रों में से 10 लोग आर्थिक स्थिति और बीमारी के चलते स्वास्थ्य विभाग की ओर से लगाए गए कैंप में शामिल नहीं हो सके। स्वास्थ्य विभाग द्वारा लगाए गए कैंप में कुल टीकाकरण और मेडिकल के लिए 65 लोग शामिल रहे। ये कैंप 15 जुलाई को बस द्वारा दिल्ली जाएगा, फिर दिल्ली में ये सभी हज यात्री मदीना फ्लाइट के जरिए पहुंचेंगे। ये हज यात्रा लगभग 40 से 45 दिनों में पूरी होगी। माना जाता है कि हज पर पहुंचकर हज की सारी रस्म अदा करते हैं, उनकी मांगे सारी मुरादें पूरी भी हो जाती हैं। कार्यक्रम हज के हाजी लोग जो जाते हैं उनको जाने के लिए यहाँ समझाया जाता है कि इस तरीके से वहाँ हज के अरकान पूरे होंगे। क्या क्या समझाया गया है वहाँ? अब वहाँ जहाँ जो अरकान है, जैसे अराफात में क्या होना है, 45-40 नमाजें कहाँ पड़ी जाती है, ये सब चीज़।